हेलो गाइस, आई एम श्रेयल कुरिये, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आज का वीडियो होने वाला है एक ऑनेस्ट रिव्यू वाला, एंड द प्रोडक्ट इज लैक्मे 925 सीसी क्रीम। ये रही, एक्चुअली ये प्रोडक्ट बहुत पुराना हो चुका है, एक दो साल पहले आई थिंक लॉन्च हुआ था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट फिर भी अभी तक लोग इसे यूज़ करते हैं। तो मैंने भी ख़रीदा था, आई थिंक एक साल पहले इसे ख़रीदा है, बट इतना यूज़ नहीं करती मैं इसे। तो चलो देखते हैं इसका रिव्यू। तो अभी इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरे पास ये लैक्मे 925 सीसी कॉम्प्लेक्शन केयर क्रीम इन बेज फ्लेवर में है। इसके दो आते हैं, मेरे पास बेज है। इसमें SPF 30 PA++ है, सो अगर आप इसे लगा रहे हो तो यू कैन स्किप सनस्क्रीन। और ये जो है पर्टिकुलर, ये बड़ा वाला है, इसमें छोटा भी आता है, वो कुछ इतने साइज़ का आता है, और उसकी प्राइस अराउंड 9900 ऐसे कुछ है, और इसकी प्राइस 315 रुपीज़ है। इंस्टेंटली प्रोटेक्ट्स, मॉइस्चराइजेस, ब्राइटन्स, इवन स्किन टोन, कंसील्स एंड फ्रेशन्स इसके ऊपर लिखा है। मतलब अगर आप इसे लगाएंगे तो इसे ना हमें पहले प्राइम करने की ज़रूरत है, ना सेट करने की ज़रूरत है, ना ही कंसीलर फिर से इसके ऊपर लगाने की ज़रूरत है। ये ऑल इन वन सारे काम कर देगा, ऐसे इस पर मेंशन है। यूजेज लिखा है, यूज़ एवरी डे ओवर क्लीन स्किन फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट्स। कॉशन, अवॉइड कॉन्टेक्ट विद आईज, ये नॉर्मल जो होता है। एंड इट इज़ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, ओके, ऑब्वियसली मेड इन इंडिया होगा लैक्मे। तो अब इसकी ज़रा कंसिस्टेंसी वगैरह दिखाती हूँ। तो इट इज़ लाइक इन क्यूब फॉर्म, हाथ के ऊपर दिखाती हूँ। ऐसी कुछ कंसिस्टेंसी है, और ये ब्लेंड करने में आसान है, ऐसा कुछ डिफ़िकल्टी नहीं होती, बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है। मैंने जो ऑब्जर्व किया, इसमें थोड़े से शाइनी पार्टिकल्स है, कुछ तो ग्लिटर जैसा इसमें है, जिसकी वजह से थोड़ी सी शाइन आ जाती है। तो ऐसा है रिजल्ट इसका। मैंने अभी मेरे चेहरे के ऊपर भी यही लगाया है, तो यू कैन सी, ये बहुत ही लाइट कवरेज प्रोवाइड करता है, बहुत ही फुल कवरेज नहीं प्रोवाइड करता। ये सीसी क्रीम है, ऑब्वियसली इसे डेली उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ये फुल कवरेज नहीं देता। और इसने मेरे स्पॉट्स नहीं हाइड किए हैं, स्पॉट्स है, जस्ट इतना है कि इसने थोड़ा बहुत कवरेज दिया है, और थोड़ा सा शाइनी इफेक्ट दिया है, जिसके आप देख सकते हो, लेकिन बाकी कुछ इतना अच्छा मुझे नहीं दिख रहा। और ऑक्सीडाइजेशन की बात करूँ तो ऑक्सीडाइज भी जल्दी हो जाता है, मतलब अगर मैं फर्स्ट ही यूज़ में इसे लगाऊंगी तो वो बहुत वाइटिश लुक देता है, बट आफ्टर 10 to 15 मिनट्स ये सेटल होके ना मुझे मेरी नॉर्मल स्किन टोन से और थोड़ा डार्क लगने लगता है, तो इट गेट्स ऑक्सीडाइज। अगर मुझे इसे रेट करना होगा 5 पॉइंट्स में से, तो मैं इसे 2.5 दूंगी, क्योंकि बाकी के जो सीसी क्रीम्स के आते हैं कंपनीज, उससे तो ये अच्छा ही है और ठीक ठाक है। अब बोलते हैं इसे जिनको यूज़ करना है वो इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए इसे हम लोग पूरे फेस पे डॉट डॉट करके लगाएंगे, सारे फेस पे पूरे डॉट डॉट करके पहले इसको अच्छे से लगा देंगे, और फिर आप हाथ से ही यूज़ कर सकते हो इसके ऊपर। वैसा तो मतलब सजेस्ट तो किया है कि आप हाथ से ही इसे अच्छे से ब्लेंड कर पाते हो, और अगर आप चाहते हो तो आप ब्यूटी ब्लेंडर या फिर ब्रशेस से भी कर सकते हो, लेकिन हाथ से भी इससे अच्छा बहुत कवरेज आ जाता है, नॉर्मल जो फाउंडेशंस की तरह लुक ही आता है वैसे हाथ से करेंगे तो एटलीस्ट ये सब कर सकते हैं। और इट इज़ गुड ट्राई फॉर, मैंने जो बोला कि जिनकी स्किन टोन नॉर्मल है, ज़्यादा स्पॉट्स वगैरह नहीं है, बस आपको पूरा कॉम्प्लेक्शन इवन दिखाने के लिए आपको इसे यूज़ करना है, तो आप कर सकते हो। बाकी ज़्यादा कुछ इसके यूजेस नहीं है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डस्की वगैरह है तो इसमें शेड्स भी उतने ज़्यादा नहीं है, डस्की स्किन टोन के लिए तो है ही नहीं, दो ही शेड्स है, तो आई एम श्योर कि डस्की स्किन टोन पे ये बहुत ज़्यादा ना वाइड ऑफ करने वाला है, ये बहुत फेक लगेगा। तो डस्की स्किन टोन वाले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मत इसे यूज़ करो, और फेयर भी जिनकी है, मीडियम जिनकी स्किन टोन है, वो बेज ही प्रेफर करो, क्योंकि बेज ही बहुत लाइट है, तो उसके जो ऊपर का शेड है वो तो बहुत ज़्यादा फेयरर है, तो ट्राई टू यूज़ बेज वन।
इसकी क्वांटिटी यूज़ करने के लिए बहुत कम लगती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं होता, बहुत कम क्वांटिटी में ही उतना ज़्यादा शाइन और ग्लिटर हमें मिल जाता है, तो ज़्यादा क्वांटिटी इसकी यूज़ नहीं होती। ये बहुत ड्यूरेबल है, अभी मेरे पास ही है, मैं बीच में कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ, फिर भी मेरे पास ये एक साल से ऐसे ही है, ऑलमोस्ट पूरा ही है ये। इसके ऊपर का सबका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, एक्चुअली बहुत सारे लोग इसे शायद पसंद भी करते हैं, लेकिन ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन, मुझे इसके बारे में ये लगता है। आप खुद भी एक बार वो छोटा वाला पैकेट तो ज़रूर ट्राई करके देख सकते हो, ट्राई करके देखना, मेरे साथ शेयर करना आपके भी पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे ज़रूर बताना। तो यही था आज का वीडियो, यही था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट दिस लैक्मे 925 सीसी क्रीम। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट मी इफ़ एनी डाउट्स आर देयर, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मोर वीडियोज़ आर कमिंग, स्टे ट्यून, कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बाय फॉर नाउ।